वेलकम टू टेली टॉकीज, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल एंटरटेनमेंट न्यूज। वेल दोस्तों, महेश भट्ट इंडिया के बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्यों लेकर आए हैं मणि के लिए लाखों के तोहफे, वो भी सुपरस्टार सिंगर्स के मंच पर। वेल दोस्तों, सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पे माँ का लाडला मणि अपनी किस्मत से हारा हुआ है, लेकिन जब से उसने अपने पैशन अपनी सिंगिंग पर एक बड़ा कदम उठाया है, तब से उसकी किस्मत ने ही हार मान ली है। वो अपनी सिंगिंग के जरिए अपने घर परिवार की हालत सुधार रहा है और ये उसके बुलंद आवाज का ही नतीजा है कि जो सेलिब्रिटी शो का हिस्सा बनता है वो आकर मणि को कोई ना कोई तोहफा ज़रूर देकर जाता है, क्योंकि वो उसकी आवाज़ का दीवाना हो जाता है। ऐसा ही हुआ सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पे बुलाए गए एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट महेश भट्ट के साथ। जैसे ही महेश भट्ट को मणि की हालत के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चला, तब महेश भट्ट खुद को रोक नहीं पाए। महेश भट्ट ने जैसे ही मणि की आवाज़ सुनी, वो पूरी तरीके से हैरान हो गए कि सच में ये एक छोटा सा बच्चा इतनी प्यारी आवाज़ में गाने गा रहा है। वो जैसे ही मंच पर थे, जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी, उन्होंने तुरंत एक बड़ा फैसला ले लिया। वेल, ये फैसला ये था कि उसकी आगे की सिंगिंग के लिए पूरी ट्रेनिंग महेश भट्ट स्पॉन्सर करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ वो बहुत जल्द मणि को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनाएंगे, जिसमें वो सिंगिंग करेगा और उसे पूरे तरीके से इंडस्ट्री के सबसे बड़े सिंगर्स कंपोज़र की गाइडेंस भी मिलेगी। महेश भट्ट अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए जब उन्होंने मणि की आवाज़ सुनी और पूरे तरीके से हैरान हो गए। वेल, वो मणि के लिए बड़े ही महंगे लाखों के तोहफे भी लाए। बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट आए और मामूली तोहफे लाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए जैसा कि सबको पता है कि मणि ढोलक बहुत ही बढ़िया बजाता है, इसीलिए महेश भट्ट उनके लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही अच्छी ढोलक लेकर आए हैं, ताकि वो अपने पैशन को जारी रखे। और इसी के साथ साथ उन्होंने मणि के पिता को एक स्कूटर गिफ्ट करने का भी वादा किया है। वेल, आप लोगों के क्या रिएक्शंस हैं हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।